कहते हैं हिंदुस्तान का दिल दिल्ली में बसता है और दिल्ली का दिल चांदनी चौक में बसता है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है शायद जो दिल्ली के चांदनी चौक के लाखों लोगों के दिल में बसते हैं, युवा विधायक अलका लांबा जी, जो अब शायद विधायक नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आवाज उठाई थी। तो अलका जी, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं बहुत समय से आपको फॉलो कर रहा हूँ। आप शायद 19 साल की थी जब आपने पहली बार पॉलिटिक्स में कदम रखा। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट बनी थी 1996 में, और उसके बाद 95 बनी थी, और तब मैं 19 की पूरी नहीं थी, 18 साल। उसके बाद आप 97 में एनएसयूआई की प्रेसिडेंट बनी, एंड कंटिन्यूअसली यू हैव वर्क विद कांग्रेस ऑन डिफरेंट यू नो डेजिग्नेशन। सो आप इस ओवरऑल जर्नी को कैसे देखते हैं ऑफ योर 24 इयर्स ऑफ पॉलिटिकल लाइफ? कैसा एक देखिए, लगभग मैं 25 साल पूरे करने वाली हूँ हिंदुस्तान की राजनीति में, और बहुत से उतार चढ़ाव देखे, बहुत से अनुभव हुए, और एक महिला के तौर पे भी हिंदुस्तान की राजनीति या किसी फील्ड में महिलाओं का आबादी का संघर्ष क्या रहता है, चुनौतियां क्या रहती हैं, उसे देखने का, बहुत करीबी से महसूस करने का मौका भी मिला। और खुशी होती है कि जितनी चुनौतियां हमारे सामने आई, उतना ही उसके चुनौती जब पार कर गए, अपने आप को मजबूत महसूस किया है। आज बहुत आम सा लगने लग गया है। मुझे याद है पहला अपना भाषण, हाथ पैर कांपा करते थे, आवाज नहीं निकलती थी और बात नहीं कर पाते थे, और लेकिन आज आप देखेंगे कि बहुत आसान सी चीजें हो गई हैं। बहुत आसानी से लोगों के बीच में जाते हैं, उनकी समस्याएं वहीं बैठ के हल खोजना, और बस समय आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में डूसू की प्रेसिडेंट बनी थी, तो एग्जैक्टली क्योंकि वो एक समय था शायद लड़कियां घर के बाहर राजनीति तो आप भूल जाइए, पब्लिक लाइफ में कभी नहीं आना चाहती थी, तो क्यों आपने छात्र राजनीति में आना स्टार्ट करा? कैसे हैं आप? कैसे आप है? मैं ठीक हूँ, आपका आशीर्वाद है। आप कैसे? क्या क्या कर रही हैं आप? आप बताएं, आशीर्वाद दीजिए आप अपना। मेरा आशीर्वाद यह है कि तू ऐसे समझे जैसे इंदिरा गांधी कांग्रेस की इंदिरा गांधी चमकी, ऐसे चमके तू। जा मेरी बच्ची। मैडम नमस्ते, मैं मिलूंगी आपसे। बढ़िया सब अच्छे? ठीक है, मैं आऊंगी। चलो, कैसा लगता है जब आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो आप दे रहे हैं? कोई प्लान नहीं है, सब चीजें जस्ट वॉक कर रहे हैं, और लोग इस तरीके से जो है अपना आशीर्वाद, अपनी दुआएं देते हैं। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि जब इंदिरा गांधी जी का नाम लिया जाता है, तो मुझे लगता है इससे बड़ा सम्मान मुझे कोई और नहीं लगता है। आपको नहीं लगता एक 2013-14 में दिल्ली वालों से एक बहुत बड़ी गलती हुई थी? शायद अन्ना आंदोलन में लोग भावनाओं में बह गए थे, और उसके बाद उन्होंने लिया कि जिस कांग्रेस ने दिल्ली को एक वर्ल्ड रिकग्निशन सिटी बनाया, आज वो दिल्ली एक प्रदूषण की सिटी के तौर पे मशहूर हो चुकी। तो वो एक आपको अपनी गलती नहीं लगती? शायद एक गलत डिसीजन था आपका आप में जाना। मैं ये कहूंगी, भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। कांग्रेस दिल्ली में 15 साल शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में काम किया, शायद लोगों ने हल्के में लिया, और 13 में और उसके बाद 15 में केजरीवाल सरकार को एक बदलाव के तौर पर बहुमत दिया, ऐतिहासिक बहुमत दिया, और आज दीक्षा है जो होता है अच्छे के लिए होता है, कि शीला दीक्षित जी के 15 साल के काम, प्रदूषण, पानी की समस्या, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा में किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया है, आज लोग तुलना तो कर रहे हैं। अगर अभी भी शीला जी होती तो आप समझ रहे, तुलना नहीं होती। आज अच्छी बात है लोकतंत्र के लिए कि लोकतंत्र है, और तुलना हो रही है कि किस तरह से प्रदूषण के लिए शीला दीक्षित जी ने 1,00,000 वाहनों को एक रात में ही जो है वो अपना सीएनजी में बदल कर 1,00,000 वाहनों को दिल्ली को प्रदूषण रहित किया। प्रदूषण की बात करें, केजरीवाल तो रोना रोते हैं कि पराली जलाने वाले किसान जिम्मेदार है, हम सरकार कहाँ से जिम्मेदार है, ये उन पे आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि उन्होंने देश के किसानों पे इल्जाम लगाया है कि जो किसान है वो जिम्मेदार है दिल्ली को प्रदूषण की राजधानी बनाने। देखिए, केजरीवाल जी का कसूर नहीं है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन, भ्रष्टाचार, जल लोकपाल को लेकर आए, कोई गवर्नेंस का उनके पास अनुभव नहीं था, ब्यूरोक्रेट कहते रहे अपने आप को, सिर्फ दूसरों को गाली निकाल कर, कोस कर, झूठे कागजों को लेकर पूरी दिल्ली और मुझ जैसे लोगों को गुमराह कर दिया कि शायद उनके पास असली सबूत है और कुछ भ्रष्टाचार हुआ है। 5 साल निकल गए, आज जल लोकपाल भूल गए बिल्कुल तरीके से। और जहाँ तक प्रदूषण की बात है, बिल्कुल बहुत आसान है किसान और पराली के ऊपर डालकर अपनी जिम्मेदारियों से भटक जाना, लेकिन हकीकत ये है कि प्रदूषण, दिल्ली का प्रदूषण आज 350 का मार्क पार कर चुका है। आज प्रदूषित दिल्ली क्यों है, आज जिम्मेदार क्यों है? क्योंकि आपने जो यातायात परिवहन की व्यवस्था दिल्ली के लोगों को देनी थी,
सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जरूरत के मुताबिक 15,000 वाहन दिल्ली के होने चाहिए थे, बसें होनी चाहिए, लेकिन वो 8,000 से 6,000 पे आके 3,000 पर रुक गई है। तो ये सुविधाएं जब आप नहीं दे रहे तो लोग टू व्हीलर थ्री व्हीलर अपनी गाड़ियों पर आ रहे हैं, जो सबसे भारी जाम और प्रदूषण का एक कारण लग रहा है। कंस्ट्रक्शन आप देखेंगे कि और हमारी इंडस्ट्री जो प्रदूषण करती है उनको जो सुविधाएं दी जानी चाहिए थी, नमस्कार कैसे हैं, उनको जो सुविधाएं दी जानी चाहिए थी वो नहीं दी गई हैं। तो मुझे है कि साहब अपनी राजनीति से फुर्सत नहीं मिली केजरीवाल जी को, क्योंकि जब 67 सीटें आई तो सीधा मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री का सपना उन्हें दिखने लगा, और दिल्ली बीच में छोड़कर वो 17 में गोवा, पंजाब, उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, देश भर के चुनाव लड़ने चले गए। उसमें हुआ ये कि ना तो दिल्ली पकड़ पाए मजबूती से, जो नगर निगम 2017 में हाथ से निकल गई, और ना देश में कुछ हाथ लगा। चुनावों के समय आप अक्सर नेताओं को बड़ी बड़ी एसयूवी की सवारी करते देखे होंगे, लेकिन हमारे साथ अभी अलका जी हैं और हम ई रिक्शा में सवारी कर रहे हैं। इसके पहले भी एक वीडियो आपने पोस्ट किया था, आप डीटीसी की बस पे घूमे थे, रिक्शा में घूमे थे, आज आप ई रिक्शा, कैसा ये सफर रहा? आज की बात नहीं है, अगर आप मुझे, जब से मैं विधायक 2015 से बनी हूँ, 5 साल देखेंगे तो आपको मैं मेट्रो में मिलूंगी, आपको मैं डीटीसी की बसों में मिलूंगी, आपको मैं रिक्शा, ई रिक्शा, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर में सफर करती हुई मिलूंगी, क्योंकि पुरानी दिल्ली 6 की यही सवारियां भी हैं। इसका फायदा ये रहता है कि आप लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, आपको जमीनी हकीकत से जुड़े रहते हैं, लोगों के क्या परेशानियां और दिक्कतें आ रही हैं वो सबसे आप जुड़े रहते हैं। तो मुझे लगता है कि किसी भी नेता को अगर जनता से जुड़कर रहना है तो जनता की जो भी मैं कहती हूँ सुविधा का इस्तेमाल जनता करती है, सुविधाओं को वो करना चाहिए। मुझे अच्छा लगता है ई रिक्शा में, देखिए एक ही साथ 4-5 लोग जा रहे हैं, लोग मुझे देख रहे हैं, मैं लोगों को मिल पा रही हूँ, और जो भी चीजें दिख रही हैं, कुछ विकास कार्य लगता है कि सड़कों पर होना है वो नोट करते रहते हैं, और समय समय पर कार्रवाई होती है। दिल्ली 6 की हम बात करें तो दिल्ली 6 के बारे में एक चीज मशहूर है कि यहाँ मंदिर भी आपको मिलेंगे, आपको मस्जिद भी मिलेंगे, आपको गुरुद्वारा भी मिलेगा, तो यहाँ पे जो सामाजिक सौहार्द है इसके पीछे का एक कारण क्या है आखिर? देखिए ये हमारी विरासत में हमें मिला है, मैं आपको ले जा रही हूँ 2 कदम दूर पर, आप देखेंगे ऐतिहासिक जामा मस्जिद में मैं आपको ले जा रही हूँ, आज मेरी वहाँ के दौरे और मीटिंगें हैं, आप देखेंगे उसी के सामने आपको ऐतिहासिक लाल किला भी दिखेगा, आजादी का पहला तिरंगा झंडा वहाँ से लहराया था। उसके बाद दिगंबर लाल जैन मंदिर में आपको कहूँ, आपको मैं गौरीशंकर मंदिर कहूँ, आपको मैं शीशगंज गुरुद्वारा और फतेहपुरी मस्जिद आपको कहूँ, या उसके आगे सेंट स्टीफन चर्च, ये सब जो है यहाँ की विरासत में हमें मिला है, और विरासत ने हमें एक रहना सिखाया है। मैं महिला हूँ, हिंदू धर्म से आती हूँ, लेकिन यहाँ के जो, अब मैं जहाँ जा रही हूँ मस्जिद है, मेरे साथ मुसर्रत बाजी बैठी हुई है, बड़ी बहन की तरह है, और कोई फर्क नहीं लगता है, हमारी हर चीज अलग होती है और हमें पसंद भी आती है कि इनका पहनावा मेरा पहनावा, इनका खान पान मेरा खान पान, इनकी बोली मुझसे अलग है, वही चीजें हमें एक दूसरे की तरफ खींचती भी है। जैसे आपने चुंबक में देखा होगा कि दो अपोजिट जो है वो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पर भी वही चीजें कि हम सब इसलिए एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते हैं। ये मोहल्ला क्लिनिक, केजरीवाल जी का मोहल्ला क्लिनिक, ये मोहल्ला क्लिनिक है, देखिए हाँ, ये मैं विधायक थी जब तक मेरे हाथ में कलम थी तो मैंने इसकी खुद नींव रखवाई थी। आज ये 9 महीने से खंडहर बना हुआ, नशे का कहें या आवारा जानवर जो है इसमें सोते हैं, तो ये विकास कार्य केजरीवाल जी ने पुरानी दिल्ली वालों के लिए पूरी तरह से रोक कर रख दिए, जिसको लिए लोगों को खूब परेशानी। ऐसा तो नहीं है मोहल्ला क्लिनिक का हाल इसलिए क्योंकि अलका लांबा विधायक है? नहीं, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ, अलका लांबा जब विधायक थी तो इसकी नींव मैंने रखवाई, यहाँ के लोगों के कहने पर भू माफियाओं से ये जमीन मैंने छुड़वाई लोगों की मदद से, यहाँ जगह नहीं है पुरानी दिल्ली में, लेकिन ये जगहें थी जो सरकारी थी और भू माफियाओं का कब्जा था और सब इससे उगाहियां कर रहे थे, इसे लोगों के लिए खाली नहीं करा रहे थे, लोगों की मदद से खाली हुई, मोहल्ला क्लिनिक शुरू किया। लेकिन दुख की बात है आज भी वो मोहल्ला क्लिनिक अरविंद केजरीवाल जी के डॉक्टर दवाओं का सुविधाओं का इंतजार ही कर रहा है, लेकिन कागजों में केजरीवाल जी करोड़ों रुपए के विज्ञापनों में बताते हैं कि ये मोहल्ला क्लिनिक है, हकीकत से कोसों दूर। आपने कांग्रेस का मेंशन किया कि आप वेट कर रहे थे अलका जी कांग्रेस में वापस आ जाए? यस, हमने कहा था कि ये एक अच्छा लीडर जिसकी बुनियादें कांग्रेस से हैं, जिसका जहन कांग्रेसी है, जिसके अंदर दिल में सेकुलरिज्म बसता है, और सेकुलरिज्म इज द बेसिक सोल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो उससे खिलवाड़ करेगा वो मारा जाएगा, ये बात समझ लीजिएगा। आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस थॉट पर्टिकुलरली,
Do you regret you have joined the Aam Aadmi Party in that duration? Because ऐसे लोग थे जो कांग्रेस के 15 साल के काम से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन शायद आप जैसे फेसेस अगर आम आदमी पार्टी के साथ आए तो उनको बहुमत मिला था। नहीं, मैं आपको फिर बताऊं, मुझे बिल्कुल पछतावा नहीं था कि मैं कांग्रेस से आम आदमी में गई, और ना इन लोगों को इस बात का पछतावा था कि मैं कांग्रेस से आम आदमी में क्यों आई हूँ। पछतावा होता तो मैं 19,000 से यहाँ जीतती नहीं, और सभी जो कांग्रेस का माइंड था, जो सेक्युलरिज्म की बात करता है, उनको इस बात की खुशी थी कि भाजपा में नहीं गई है, आम आदमी में आई है। और भाजपा जिस तरीके से आपने देखा 14 के चुनाव जीतने के बाद मोदी जी ने जिस तरीके से माहौल देश में बना दिया था, उनको हराना जरूरी था। और वो 14 का मोदी जी के चुनाव के बाद 15 में दिल्ली में 3 सीटों तक मोदी जी को रोकने वाली ये कौम है, जिनको मालूम है हम सबको, चाहे वो हिंदू है मुस्लिम है हम सब है, कि कांग्रेस कमजोर हो रही है तो दूसरा कौन है जो भाजपा को रोक पा रहा है। उस समय पर केजरीवाल दिख रहे थे, लेकिन आज पता लग रहा है कि केजरीवाल जी ने खुद घुटने केंद्र की सरकार के सामने पूरी तरह टेक दिए हैं। नोटबंदी सबसे बड़ा उदाहरण है, 2016 में जब नोटबंदी की गई थी सबसे पहले आवाज उठाने वाले केजरीवाल जी थे, आज खामोश होने वालों में सबसे पहले केजरीवाल जी। गठबंधन की बात करी, लोग कह रहे हैं यहाँ पे झाड़ू और कमल का गठबंधन हो गया, वो उनके लिए नहीं बोलते, ये कहलाता है। नहीं, वो सबको समझ आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी इस समय पेंडुलम की तरह है, बहुमत नहीं 15 की तरह मिलने वाला है उन्हें, तो वो या तो कांग्रेस में 19 में देखा नहीं आपने, लोकसभा के चुनाव में जिन शीला दीक्षित जी को गाली निकाली, उन्होंने बुरा भला कहा, उनके पैरों में पड़े थे कि हमसे गठबंधन कर लीजिए आप। चौटाला से भजनलाल जी की पार्टी जो चौटाला है, वो पिता और बेटे दोनों शिक्षक भर्ती घोटाले में आरोपी घोषित करके तिहाड़ जेल की सलाह के पीछे है। चार के नाम पर लड़कर आते, लेकिन समझौता किससे करते हैं, हरियाणा में गठबंधन किससे करते हैं, किसके साथ मिलते हैं, चौटाला पार्टी से मिलते हैं। तो यहाँ ये एक्सपोज हो गए, बेनकाब हो गए, तब मैंने सोच लिया था कि अब इनके साथ मेरा गुजारा नहीं है, क्योंकि एक नकाब ओढ़कर आए थे जो बेनकाब हो चुके हैं। दिल्ली में एक और रेस चल रही है, विज्ञापन में कौन आगे निकलेगा। पहले बड़े मोदी जी के विज्ञापन देखते थे, अब छोटे मोदी के विज्ञापन हर जगह देखते हैं, करोड़ों रुपए विज्ञापन में लगा दिए, इस पे आपका कहना है? विज्ञापन आ रहे हैं जनता सरकार के नाम से, नहीं, अगर आप गली बनवाई है, सीवर बनवाए हैं, लगवाए हैं, सड़कें बनवाई हैं, लोगों को मुझे आकर बताना नहीं मैंने ये करा, ये यहाँ ही रहते हैं, इन्हें मालूम है कि इनको सीवर पानी सड़कों की सुविधाएं मिली हैं, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं। जब मैंने कुछ नहीं किया है तो मैं क्या करूंगी, फिर मैं करोड़ों रुपए के विज्ञापनों पर लगाऊंगी और प्रचार करूंगी, मैंने फलानी गली में इतने कैमरे लगा दिए हैं और प्रचार हो रहा है कहीं और, तो उनको तो नहीं पता हकीकत क्या है, तो वो विज्ञापनों की में बह जाते हैं। सो 40 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल जी ने खुद अपने मुंह से बोला कि 40 करोड़ रुपया मैंने मात्र अभी इन्हीं 2 महीनों में खर्च कर दिया अपने विज्ञापनों में। उन्होंने अभी मास्क बांटे, प्रदूषण मास्क से कैसे रुकता है मालूम नहीं है, वो आपको प्रोटेक्ट करता है बस, लेकिन जो वायु प्रदूषण हो रहा है उसमें उन्होंने कहा 50 लाख मास्क हमने बांटे हैं, 1 मास्क की कीमत, अगर हम कहते हैं अरविंद जी 100 तो होगी, अब वो ये नहीं कह पाते कि नहीं 100 से नीचे है, क्योंकि 100 से नीचे मतलब क्वालिटी कुछ नहीं है, सिर्फ आप एक कपड़ा दे रहे हैं मुंह पे बांधने के लिए, और जब आप कहते हैं कि 100 से ऊपर है, फिर लोग कैलकुलेट करते हैं कि 50 लाख अगर मास्क दिल्ली बांटे हैं, प्रत्येक की कीमत 100 रुपया है, तो 50 करोड़ रुपए के आपने मास्क बांट दिए 2 करोड़ की दिल्ली में, 50 लाख मास्क का मतलब है कि हर 3 में से 1 आदमी के मुंह पर वो मास्क दिखना चाहिए था, जो ट्रक आए 50 लाख मास्क के 50 करोड़ खर्च करके ऑडिवन के नाम पर विरपाई, वो कहां गए नहीं मालूम है। सो अभी सिर्फ चुनावी चंदा इकट्ठा करने के नाम पर निजी कंपनियों को, ठेकेदारों को पूरी तरह से लाभ पहुंचाने का काम केजरीवाल सरकार कर रही है। अस्पताल दुरुस्त करने थे, शीला दीक्षित जी ने अस्पताल बनाया, उसके बाद एक नया अस्पताल नहीं बनाया, 1100 स्कूल दिल्ली सरकार के, एक भी नया स्कूल केजरीवाल ने नहीं बनाया है। आज मैं आपसे वही कह रही हूँ, स्कूलों में टीचर नहीं है, गेस्ट टीचर 1700 आज भी पक्के नहीं किए गए, गेस्ट स्कूल में टीचर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, कार्यालयों में कर्मचारी नहीं है। इसके बाद दिल्ली की कानून व्यवस्था, 4 मुद्दे मान गया केंद्र की सरकार को करने, केजरीवाल जी को नहीं करने मैं मानती हूँ, लेकिन मैंने पूछा केजरीवाल जी रामलीला मैदान खाली है, आपका इंतजार कर रहा है हमारा जन लोकपाल, स्कूलों में टीचर, अस्पताल में डॉक्टर, कर्मचारी, लॉ कानून व्यवस्था, दिल्ली पुलिस, केंद्र की भाजपा सरकार के पास है, रामलीला मैदान इंतजार कर रहा है, चलिए मना कर दिया क्योंकि समझौते कर लिया। पुरानी दिल्ली के बारे में एक चीज मशहूर है, जामा मस्जिद का जायका। और दिल्ली की अगर हम बात करें तो आने वाले 2 महीने बाद यहाँ पे चुनाव होने वाला है, तो चुनावी जायका और चुनावी जायके के बीच में दिल्ली के मुद्दे क्या हैं, इसके बारे में मलका जी से पूछना चाहेंगे। मुद्दे क्या रहने वाले दिल्ली के चुनाव में? सर,
देखिए विपक्ष तो वो चाहता है कि जो मुद्दे ऐसे हों जिससे लोग भटकें। मैं आज भी बता रही हूँ ये पुरानी दिल्ली हमारी विरासत में हमें मिली है। आप जामा मस्जिद देखिए, लोगों को देखिए, भाईचारा प्यार के साथ आगे बढ़ना इन लोगों ने सीखा है। मुझे यहाँ गर्व महसूस होता है कि दिल्ली 6 चांदनी चौक की मैं विधायक, इन लोगों ने मुझे ये सौभाग्य दिया है। समस्याएं बात करेंगे तो ठीक है, यहाँ का विकास जो है वो निरंतर जारी रहने वाला होता है। यहाँ की नई सीवर की लाइन, पानी की लाइन, सड़कों का बनना, लाइटों का होना, यहाँ की जो आप तारे देख रहे हैं, एक सौंदर्यकरण का काम जो है शीला दीक्षित जी ने शुरू किया था। चांदनी चौक मैंने शुरू करवा दिया है, मार्च तक चांदनी चौक का सौंदर्यकरण का कार्य पूरा होगा और उसके बाद जामा मस्जिद का जो सौंदर्यकरण है आप देखेंगे। जामा मस्जिद ऐतिहासिक हम देख नहीं पा रहे, यहाँ से अंधेरों में है। मेरी कोशिश है कि चांदनी चौक के बाद यहाँ की जो ऐतिहासिक हमारी जामा मस्जिद है और यहाँ की जो ऐतिहासिक ये मार्केटें हैं इनको किस तरीके से रोशन किया जाए ताकि यहाँ पर आने वाले, खाने वाले, यहाँ की पुरानी दिल्ली की विरासत से जुड़ने वालों को गर्व महसूस हो सके। तो ये विकास कार्यों को आगे ले जाना मेरी एक रहेगा। दिल्ली के जो वोटर्स हैं वो अधिक से अभी सबसे ज्यादा युवा वोटर्स हैं। अलका लांबा, युवा विधायक, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष NACYI, दिल्ली के वोटर्स से क्या अपील करना चाहेंगे कि आने जब जो विधानसभा चुनाव आने वाला है क्या है आपकी अपील रहने वाली है? एक ही अपील करना चाहूंगी, 2019 का देश का चुनाव अभी हमारे सामने से गुजरा है और हकीकत ये है कि लोगों ने अपने उम्मीदवारों को देखा ही नहीं, भावनाओं में बहकर वोट किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 45% अपराधी, क्रिमिनल, बलात्कारी, हत्यारे, भ्रष्ट लोग आज संसद में पहुंच गए जो हमारे देश का फैसला कर रहे हैं। मेरी अपील यही रहेगी, मुद्दों पर राजनीति, मुद्दों पर वोट करिएगा, अपना उम्मीदवार जरूर देखिएगा कि कितना पढ़ा लिखा, ईमानदार और आपके विकास के लिए कब सड़क और सदन तक आवाज इन्होंने बुलंद की है और आपका भविष्य किसमें आप देखते हैं, मुझे लगता है वो उम्मीदवार को लोग चुनेंगे। दिल्ली की जनता मेरे साथ है, चांदनी चौक की जनता मेरे साथ है, एक बार में अगर आप बताना चाहें सरकार किसकी बनने वाली? कांग्रेस सरकार, कांग्रेस में वाली है बनना चाहिए। और अलका लांबा जी जो है वो कांग्रेस में आई है, हम इनका स्वागत करते हैं और ज्यादा से ज्यादा वोटों से जितवाया जाए और कांग्रेस से बढ़िया कोई जमात नहीं है। कौन जीतेगा चांदनी चौक से भाई आप बोलेंगे? कांग्रेस, कांग्रेस। शुक्रिया। चलिए अलका जी, आपने हमें समय दिया। IYC की ये हमारी सीरीज का ये पहला एपिसोड था जिसमें हम दिल्ली की बात दिल्ली के उन युवा चेहरों से करना चाहते थे जो दिल्ली की राजनीति में वर्चस्व रखते हैं और देश में दिल्ली का नाम रोशन करते हैं। आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टीम का शुक्रिया और आपके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये सीरीज आपकी शुरुआत हुई है, मेरी शुभकामनाएं आपकी पूरी टीम के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।